हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना ड्राइंग मटेरियल कहाँ से परचेज करती हूँ, और आप लोग भी चाहो तो उस जगह से ड्राइंग मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोग को लोकेशन बताने वाली हूँ, जो दुकान से मैं सामान लेती हूँ उस दुकान का एड्रेस बताने वाली हूँ, उनसे बात भी करूँगी मैं, और सारी चीज़ें, और आपको ईजली वे में वहाँ तक किस तरीके से पहुँचना है ये भी मैं बताऊँगी। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आप कैसे उस शॉप तक पहुंच सकते हैं। और शाम के बज रहे हैं 5:45 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं हॉस्टल से निकल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं लंका के रोड जो है इसके अपोजिट साइड खड़ी हूँ। तो आपको सिंपल लंका आना है, ये BHU गेट है पूरा, ठीक है, और ये लंका चौराहा है, बीच में मालवीय जी की मूर्ति लगी है। तो आपको सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ से सीधे आगे बढ़ना है। देखिए, मैं देखिए मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ से सीधे जाएंगे, और सीधे जाते हुए आपको सिर्फ ये पूछना है कि V2 मॉल कहाँ है। ठीक है, V2 मॉल के पास जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो मेडिकल, सतेंद्र मेडिकल स्टोर इसके आगे, श्री कृष्ण मेडिकल स्टोर्स, आगे आपको बाटा मिलेगा और आपको सीधे बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं V2 मॉल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है V और 2, तो ये हो गया आपका V2 मॉल। ठीक है, और आपको यहाँ से क्या करना है, इसके अपोजिट अभी हम इस पार खड़े हैं और हमें जाना है उस पार, रोड के उस पार। तो अभी आप देख सकते हो मैं रोड के इस पार आ चुकी हूँ, V2 मॉल उधर है और मैं रोड क्रॉस कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आपको क्रॉस करके जाना है, आप वहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है विकास ड्रॉइंग, है ना, तो वो विकास की शॉप पे आपको जाना है। यहाँ पे भी आपको मटेरियल मिल जाएंगे। तो ये है फर्स्ट शॉप जहाँ पे आपको ड्राइंग की सारी जो भी आपको मटेरियल चाहिए हर तरह के मटेरियल मिल जाएंगे। तो पहला शॉप तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं लेके जाती हूँ, मैं ये शॉप से बहुत कम ही सामान लेती हूँ क्योंकि मुझे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है इस शॉप की, अकॉर्डिंग टू जिस शॉप से मैं लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरा शॉप, आपको बस यहाँ से आगे बढ़ना है, आप देखते जाओ। और वहाँ देख रहे हो लिखा हुआ SBI, है ना, SBI, और इसके बगल से जो सीढ़ी जा रही है इस सीढ़ी पे आपको चढ़ना है। तो आप देख सकते हो ये शॉप है आर्ट गैलरी। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ के आए हैं और यहाँ पे पूछते हैं भैया से कि कौन कौन से मटेरियल क्या क्या यहाँ पे मिल जाता है। तो भैया आप बताइए कि आपको किस तरह के मटेरियल, मतलब अगर हम यहाँ आते हैं तो मुझे ड्रॉइंग से रिलेटेड, जो फाइन आर्ट के स्पेशली बच्चे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे मुझे सारे मटेरियल्स मिल सकते हैं क्या? हाँ बोलिए, अब थोड़ा सा माइक पे आवाज आएगा। हाँ ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं है। जैसे कि आपका ऑयल पेंट हो गया, एक्रेलिक पेंट हो गया, पोस्टर है, वाटर कलर है, A to Z, कोई भी आइटम हो, स्कल्पचर का टूल्स और सोनाई ब्रश की सोनाई ब्रश। तो मतलब हम यहाँ पे आए तो सारे मटेरियल्स मुझे मिल जाएंगे, कहीं आपको जाने दो, मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सारे A to Z मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच भैया। अब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल है, मेरी शॉप की नाम है आर्ट गैलरी। और एक बार नंबर भी बोल दीजिए ताकि कॉन्टेक्ट करे। नंबर है 790-590-5212-1196। ओके, थैंक यू सो मच भैया। तो आप ये शॉप से आके मतलब यहाँ पे आपको सारी मटेरियल मिल जाएगी, जैसा कि आपने देखा मैंने बात किया यहाँ पे, और आप इस शॉप पे आके आराम से सारी मटेरियल ले सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि क्या क्या हमें, थोड़ा अंदर आ सकती हो? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। मैं थोड़ा अंदर से आपको शॉप दिखाऊं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रॉइंग बुक भी, एक ड्रॉइंग बुक निकाल के दिखाएं, थोड़ा सा लोग जितना देखेंगे फिर उनको अच्छा लगेगा। ये खुल नहीं सकता, तो ये ड्राइंग बुक है जिसपे आप वाटर कलर कर सकते हैं। ये बुक क्या वाटर कलर और किसके, वाटर कलर और स्केचिंग दोनों के लिए है। फैब्रियानो शीट्स, ये भी देखिए यहाँ पे फैब्रियानो शीट्स भी है। क्या प्राइस है भैया? ₹300 पड़ेंगे, 180 के। ये 180 का है, ये 320 का सीट है,
प्लस यहाँ पे आप देखिए पेंसिल का रखा हुआ सारे पेंसिल, कैमलिन पेंसिल है, आर्ट लाइन पेंसिल है, स्टेटलर पेंसिल है, फिर फेवर कैस्टल का आपका हो गया कलर पेंसिल है, तो हर चीज है। और कैनवस वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी कैमलिन का कैनवस सबसे अच्छा होता है, तो वो वाला कैनवस आप यहाँ पे रखा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ब्रशेस रखे हुए हैं, हर तरह के ब्रशेस। फिर ये आप देख सकते हो उडकट, ये वाला उडकट रखा हुआ है, लेकिन इससे भी अच्छा होता है उडकट जो है सकुरा का, लेकिन वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन आपको लेना है तो यही उडकट मिलेगा, ठीक है। सकुरा वाला ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो ऑफलाइन जल्दी मिलता नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये सब ब्रश है, स्पेचुला, इसको स्पेचुला कर सकते हैं, हर साइज में स्पेचुला रखा हुआ है। तो और यहाँ पे कलर, आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर डिब्बे में भी है, ट्यूब में भी है, जिस साइज का आपको चाहिए हर साइज का है। और वहाँ पे ऊपर में है कलर प्लेट, तो आप देख रहे हो आपको हर चीज मिल रहा है, ऊपर ब्रशेस हैं, और यहाँ पे सारे कलर्स के सेट है, सारे सेट से कलर के, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर और वाटर कलर, पोस्टर कलर, सॉफ्ट पेस्टल, सारी चीज यहाँ पे देखिए। छोटी छोटी कैनवस भी रखी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है छोटे छोटे कैनवस पे बनाने के लिए। इसका क्या प्राइस है भैया? ओनली 25 कैनवस, और आपको बना बनाया मिल रहा है, और क्या चाहिए? और ये वाले कैनवस की, ये कैनवस जो है ये ये जो कैनवस है ये 45 की है, और आपको ये रेडीमेड मिल रही है, सबसे अच्छी बात है। और प्राइस मैं बता दूं बहुत ज्यादा, हाँ, और एक चीज और सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइस है उससे 20% लेस हो जाएंगे कोई भी मटेरियल पे, अच्छा सारे कलर्स पे, सिर्फ ओनली कलर्स पे। अगर आप कलर लेते हो यहाँ से, तो इस कलर पे 20% का डिस्काउंट है, चाहे आप कोई भी कलर लो, या फिर सिंगल कलर या डिब्बा, अच्छा सिंगल भी कलर लेंगे तो भी 20% ऑफ है, और डिब्बा भी लेंगे तो भी 20% ऑफ है। और क्या चाहिए? और ये भी है देखिए, फिक्सेटिव भी है और वार्निश भी है। देखिए इसको फिक्सेटिव कहते हैं, जब आप ड्राइंग करते हैं ना पेंसिल कलर, तो ये स्प्रे का यूज करते हैं ड्राइंग को फिक्स करने के लिए। और ये है वार्निश, जो हम ऑयल पेंटिंग में यूज करते हैं, जब पेंटिंग कंप्लीट होने के आफ्टर 5 to 6 मंथ बाद हम वार्निशिंग करते हैं, तो ये है वार्निश। और एक चीज आपके पास, मुझे सोनाई का ब्रश दिखा दीजिए, क्योंकि सोनाई का ब्रश का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, हर जगह मिलता नहीं। देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये है सोनाई का ब्रश, हर साइज में है। थोड़ा प्राइस बताएंगे, ये आपके पड़ेंगे 200 के, 20 नंबर है, ये 200 का पड़ेगा, ये आपके 12 नंबर है 90 रुपीस, एक मिनट, ये 12 नंबर है, ये 90 रुपीस की पड़ेगी, वन पीस 90 रुपीस पर पीस है, टू नंबर है 35 रुपीस, टू नंबर का 35 रुपीस है। और ये फ्लैट ब्रश दिखाइए भैया, अच्छा ऑर्डर गया हुआ है फ्लैट ब्रश का, फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा, जीरो नंबर आपका है 30 रुपीस का, ये जीरो नंबर ब्रश है जो कि 30 रुपीस का पड़ेगा। तो आपको सोनाई ब्रश का जो भी नंबर का आपको चाहिए, आपको हर नंबर के ब्रश मिल जाएंगे, जो कि जल्दी मिलते नहीं है, ऑनलाइन तो आप भूल ही जाइए कि आपको ऑनलाइन मिलेंगे। इधर भी ये सारे ब्रशेस देख सकते हो आप, ये फ्लैट ब्रश है, यूजली ये एक्रेलिक कलर के लिए यूज किया जाता है, तो ये सारे ब्रशेस आप खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैनवस एक पेंटिंग करके भी रखा हुआ है, आप छोटे कैनवस पे भी अच्छा काम कर सकते हैं। और ये देखिए चारकोल, ये चारकोल स्टिक है भैया, मैं थोड़ा खोल के दिखाऊं, तो ये चारकोल स्टिक है, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, देखिए किस तरीके का होता है। ये है आपका चारकोल स्टिक, ठीक है, आप इसे जब आप पोर्ट्रेट कर रहे हो या फिर शेडिंग कर रहे हो, तो इसका बहुत अच्छा यूज है चारकोल स्टिक का, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आराम से यहाँ पे अवेलेबल है। और ये क्या है भैया? ये है ग्रेफाइट पेंसिल, टोटल ग्रेफाइट पेंसिल है, इसको खोल सकते हैं, ये भैया अभी खोल के दिखा रहे हैं आपको, अच्छा ये वाली पेंसिल, ये भी पेंसिल अच्छी होती है, ये पूरी ग्रेफाइट है, इसमें जो लकड़ी आगे रहती है और अंदर ग्रेफाइट रहती है वैसी नहीं है, ये पूरी ग्रेफाइट है, ठीक है, आप पूरे से काम कर सकते हो। तो ये क्या मतलब, सिंगल लेना होता है या सेट लेना होता है? सिंगल लेना होता है ये पेंसिल,
और ये पेंसिल का दाम है सिंगल पेंसिल का 70 रुपीज। इसका कोई नाम है? सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल, ओनली ग्रेफाइट पेंसिल। तो ये भी आप ले सकते हैं जो कि आपको बहुत यूजफुल होगा। और यहाँ पे है लिक्विड वार्निश, एक मिनट दिखाई भैया, ये जो कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने हाल में एक शॉर्ट वीडियोस डाले थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पिक्चर वार्निश, जो मैंने हाल में एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड किया था। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कौन सा वार्निशिंग आपने यूज किया है, तो ये यही वार्निश है आर्टिस्ट का पिक्चर वार्निश। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है फोटो पर, लिखा हुआ आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश, जो कि इसकी प्राइस है मैं बता दूं 150 रुपीज। सामने करने पे थोड़ा फोटो ब्लर आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज है ओनली। और मैंने इसे यूज किया है, सच में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्प्रे बहुत लोग स्प्रे लेते, जो मैंने ये स्प्रे आपको दिखाया है ना, ये स्प्रे से अच्छा मुझे ये वाला लगा है। मैंने दोनों ट्राई किया है। तो ये स्प्रे जब हम करते, अगर आपको अच्छे से स्प्रे करने आता है तो ही लीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डॉट डॉट पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इस वार्निश का यूज कीजिए। फ्लैट ब्रश ले लीजिए, फ्लैट ब्रश से आराम से, जैसे मैंने किया था वीडियो में दिखाया था मैंने, आप आराम से उसका यूज कर सकते हैं। और ये सब क्या है भैया? अच्छा, ये कैनवस रोल है लंबा लंबा, देख रहे हैं कपड़े अलग से आते हैं, जैसे कि ये कैनवस बना हुआ है ना, जैसे ये कैनवस बना हुआ है, ये व्हाइट पोर्शन, तो ये रोल में आ रहा है कैनवस। आप सिर्फ कैनवस लेके आप अपना खुद से बनाइए, घर पे जाके आप खुद से बना भी सकते हैं। कैनवस रोल का प्राइस क्या है भैया? जैसे कि 5 फीट आते हैं 28 इंच, वो आपको पड़ेंगे 1350। कितने पड़ेंगे फिर से बताइए? 28 इंच की पड़ेगी 1350। 28 इंच की 1350 पड़ेंगी। 6 फीट की सबसे महंगी वो पड़ेंगी 3000। सबसे बड़ी 6 फीट की आती है वो पड़ेगी 3000 रुपए की, जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे लंबी वाली आपको दिख रही है ना, वो वाली। और ये छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी ये है। अच्छा, जो सबसे छोटी ये वाली है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी फिट की है? 2.5 फीट है, 1100। ये 2.5 फीट है ये, और ये 1100 की आपको पड़ेगी। तो इसकी जो आप देख सकते हो MRP लिखी है 1650 है, और आप कितना बता रहे हैं? आप सिर्फ 1100 बता रहे हैं, मतलब 500 का डिस्काउंट है। और क्या चाहिए मतलब? तो ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी। हाँ, तो आप यहाँ पे आके आराम से सारे मटेरियल ले सकते हैं। अब भैया एंड थैंक यू सो मच भैया कि आपने अपने शॉप पे मुझे आने दिया और मुझे सारी चीजों को देखने दिया। तो आप यहाँ पे आइए, आपको हर चीज A to Z बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो ये हो गया एक शॉप, अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ सर। और अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी एक शॉप है, और आप यहाँ से भी अपनी ड्राइंग मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रिजनेबल प्राइस पे सारी मटेरियल मिल जाएगी। सुनील आर्ट गैलरी, आप देख सकते हो, इस पे आप शॉप ले सकते, सारे मटेरियल ले सकते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं? फाइनली नमस्ते, हम यहाँ पे ब्लॉग बनाते हुए आ गए। तो ये शॉप है, आप यहाँ से भी आपको रिजनेबल प्राइस में, सही प्राइस में आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे A to Z। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें रखी हुई है। तो ये बताइए भैया कि आप किस किस तरह के मटेरियल, मतलब जो BFA स्टूडेंट है स्पेशली, वो यहाँ आएंगे तो उसको सारे मटेरियल मिलेंगे? कौन कौन से, मतलब थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का। वाटर कलर है, माइक को सामने रखिए। वाटर कलर है, पेपर है, ब्रश है। अच्छा, ब्रश है तो सारे, एक बार हम अंदर आके ले लें वीडियो, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अंदर जाके आपको थोड़ा दिखाऊं कि क्या क्या सारी चीजें हैं। सेलो टेप जो हम लोग यूज करते हैं, पेपर टेप, कैनवस रोल, कैनवस यहाँ पे देखिए कैनवस रखा हुआ है। क्या प्राइस है ये कैनवस का भैया? ये 50 रुपीज का कैनवस है। ये साइज देखिए, साइज है इसकी 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर है ना, 50 रुपीज का, लेकिन आपको 35 पड़ेगा। तो ये कैनवस का साइज है 30.48 × 30.48 स्क्वायर साइज में है, और 100 रुपीज दाम है। पर इसका कितना पड़ेगा भैया इस कैनवस का? 75 पड़ेगा, 100 रुपीज का है। तो यहाँ भी आपको डिस्काउंट में मिलेगा। और ये सारे कैनवस रोल है। ये कैनवस रोल का प्राइस क्या है? इसका साइज आपका 4.5 फीट का है, 3 फीट का है। 4.5 फीट का दाम कितना है? 3300 MRP है।
तो आप देख सकते हैं ये कैनवस रोल है जो कि 4.5 फीट का है और इसकी प्राइस है 3,300, लेकिन आपको पड़ेगी 2,300, मतलब 1,000 का डिस्काउंट है आपको। तो यहाँ पे भी आपको एकदम सही प्राइस में हर तरह के कैनवस मिलेंगे, कैनवस बोर्ड भी मिल जाएगा, स्ट्रेच कैनवस भी मिल जाएगा, फिर चारकोल पेंसिल, आर्ट लाइन पेंसिल, फेवर कैस्टल पेंसिल और सोनाई का ब्रश दिखाइए। सबसे डिमांड तो सोनाई का ब्रश ही होता है जो कहीं मिलता नहीं है। किस तरह का सोनाई का ब्रश है? हाँ तो ये देखिए सोनाई, ये फ्लैट ब्रश है। क्या प्राइस है? ये पड़ेगा आपको 450 का। ये 450 का पूरा सेट है और इसमें है 12 का है, 10 का है, 8 नंबर है, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10। ठीक है, मतलब 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और ये 450 बोले ना भैया, इसमें भी कोई डिस्काउंट है क्या? 450 लगेगा पूरा। अगर आप ये सिंगल लेना चाहें तो आप सिंगल भी ले सकते हैं और आपको राउंड भी मिल जाएगा। राउंड वाला दिखा दीजिए भैया, आप सिर्फ ये खोल दीजिए ताकि बस में यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हर तरह के राउंड ब्रश भी हैं बहुत सारे। और एक बात बता दूं कि प्राइस को लेके सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से सामान लेती हूँ मैं भी, तो आप आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पे सारे कलर्स रखे हुए हैं, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, पेस्टल कलर, पोस्टर कलर और वो वाला ब्रुस्टो का, वो वाला का है आपका 72 का कलर पेंसिल है। 72 का कितना पड़ेगा? वो आपको पड़ेगा, ये 72 सेट का है, 1998 का है, वही मान चलिए आपको 1750 पड़ेगा। 1750? तब तो ये और कम है। ये मैं बता दूं कि ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था 1998 और मुझे पूरा उतने ही पड़ा है यानी मैं लॉस में चली गई। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये ब्रुस्टो का कलर पेंसिल है जो 72 सेट वाला है। मैंने एक बार आपको वीडियो में रिवील भी किया था, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया था, 1998 की मुझे पड़ी थी और ये और कम प्राइस में दे रहे। 1700 बोले ना भैया, कितना बोले इसका दाम? 1750, मतलब सीरियसली ऑनलाइन बिल्कुल मत परचेज कीजिएगा। अगर आपको ऐसे शॉप में मिल रहा है अपने एरिया में तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको इधर आना होता है तो आप यहीं पे आके जरूर परचेज करें। आप ऑनलाइन हमेशा देखा है मैंने कि थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ जाता है, लेकिन ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो आपको कम पड़ेगा। भैया कार्ट्रिज सेट दिखा दीजिए क्योंकि उसके डिमांड बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्केचिंग पेपर है। ठीक है, ये फुल शीट है ना? फुल शीट का। और क्या प्राइस है? 60 रुपीज में आपको 40 पीस मिलेगा। आप स्केचिंग करने के लिए एनाटॉमिक फिगर या फिर कोई भी स्केचिंग करने के लिए आप ले सकते हैं। और कार्ट्रिज सीट आया है, मुझे भी लेना है और ऑयल सीट भी लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ट्रिज सीट यहाँ नीचे रखी हुई है। ठीक है, और ऊपर में ऑयल सीट में दिखा दूं निकाल के। अच्छा, ये कार्ट्रिज सीट है और ये ऑयल शीट है। ऑयल शीट में क्या होता है ना, टेक्सचर होता है। ठीक है, ऑयल पेंटिंग का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कैनवस स्टार्टिंग में ना कर दे, पहले ऑयल शीट पे करे, फिर आपका हाथ बैठ जाए तो फिर आप कैनवस पे काम करें। इसका प्राइस क्या है, प्राइस बताइए पर पीस? ये आपका 40 रुपीज का है, आपको 30 रुपीज पड़ेगा। ये 40 रुपीज का पर पीस है और फुल शीट है और 30 रुपीज पड़ेगा जो कि एकदम सही प्राइस है। और यहाँ पे कार्ट्रिज सीट का फुल शीट का क्या प्राइस है? 8 रुपए। और 8 रुपए पीस पर कार्ट्रिज सीट जो कि एकदम रिजनेबल प्राइस है। अगर आप इधर आते हैं, 8 रुपीज की पर शीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं निकाल नहीं सकती वरना फिर मुड़ जाएगा, बहुत सेफली रखा हुआ है। तो आप ले सकते हैं, एक सीट की ओनली 8 रुपीज। और इसमें आप 4 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, 4 भाग में बांट के, फिर वो A3 साइज का हो जाएगा और फिर आप काम कर सकते हैं। तो मतलब A3 साइज मतलब एक पीस का आपका 2 रुपीज पड़ रहा है, तो बहुत सही प्राइस है। ये ड्राइंग बुक, तो ये भी देखिए आर्टिस्ट का ड्राइंग बुक है। कितने पीस है इसमें पेपर? 100 पेज है। और क्या प्राइस है? प्राइस 350 रूपए का है, 300। ये 350 रूपीज का है और इसमें 100 पीस पेज है, लेकिन आपको ओनली 300 पड़ेगा। और मैं बता दूं कि एकदम सही प्राइस है। ठीक है, और
आप कहीं और जाओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आके लेते हैं तो सच में आपको रिजनेबल प्राइस पे हर चीज बड़े आराम से सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये है वो सोप, ज्यादातर मैं सामान इससे लेती हूँ और बहुत अच्छा है। वैसे दोनों ही सॉप बहुत अच्छा है, नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों की प्राइस बहुत अच्छी है। आप जिसमें कंफर्ट हो आप वहाँ पे आके सामान ले, और आपको हर तरह के हर चीज ए टू जेड, मैं बोल रही हूँ ए टू जेड सामान मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपको तीन सॉप दिखाए हैं, एक पीछे है सुनील आर्ट गैलरी, नीचे था आर्ट गैलरी, और एक विकास की सॉप। विकास की शॉप के अंदर मैं नहीं गई क्योंकि मैं ज़्यादातर उस शॉप में जाती नहीं, उस शॉप की थोड़ी सी मुझे प्राइस ज़्यादा लगती है, इसलिए मुझे थोड़ा अगर कोई सामान अगर यहाँ ना मिले तो फिर मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। लेकिन हाँ, वो भी शॉप अच्छी है, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे भी आपको ए टू जेड मटेरियल मिलेंगे। लेकिन आप एक बार तीनों जगह ज़रूर विज़िट करें, आपको जहाँ प्राइस सही लगे ठीक है आप वहाँ पर लें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही बेस्ट है। तो लेकिन फिर भी आप जब भी यहाँ आए, तीनों शॉप एक साथ एक जगह पे है, आप अपने हिसाब से आप तीनों शॉप ज़रूर जाएं और आपको जहाँ लगे कि मुझे किस शॉप में लेना है उस अकॉर्डिंग आप लीजिए। एंड एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे बालकनी से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, लेकिन आपको थोड़ा सा बालकनी का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं पूरा लंका मार्केट कुछ इस तरीके से, वहाँ पर आपको दिख रहा है V2 मॉल। और यहाँ पे, और अगर आप थोड़ा सा सीधे देखेंगे तो आपको BHU गेट, यहाँ से मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको BHU गेट तो मिल जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं बनारस, या फिर कोई बनारस का रहने वाले जिनको आइडिया नहीं है कि कहाँ से ड्राइंग मटेरियल ले, बेझिझक आइए यहाँ पे और रिजनेबल प्राइस में अपना ड्राइंग मटेरियल लेके जाइए। क्योंकि मैं ऑलरेडी यहीं से लेती हूँ तो मुझे पता है कि प्राइस बिल्कुल हाई नहीं है, एकदम रिजनेबल प्राइस है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं रूम पे आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। जो भी मैंने शॉप दिखाए थे, एक विकास की शॉप, वैसे मैं वो दुकान के अंदर गई नहीं थी क्योंकि बहुत भीड़ रहती और मुझे वो कम्फर्ट जोन नहीं लगता वो दुकान, और मैं उस दुकान से बहुत रेयर ही सामान लेती हूँ इसलिए मैं उस दुकान के अंदर इन भी नहीं की थी। वैसे वहाँ भी आपको ए टू जेड सामान मिल जाएंगे, हाँ लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है अकॉर्डिंग टू आर्ट गैलरी या सुनील आर्ट गैलरी। तो और मैं ज़्यादातर सामान तो लेती हूँ सुनील आर्ट गैलरी से, और जो नीचे की शॉप दिखाई थी मैंने आर्ट गैलरी, वो भी बहुत अच्छी शॉप है। तो आप जब भी आएँ आप एक बार तीनों दुकान जाएँ और फिर आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ से मटेरियल लीजिए। और यहाँ एक चीज़ तो है कि आपको सारी मटेरियल, जो भी आप मटेरियल चाहते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, आपको हर चीज़ एक ही दुकान में ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू टुमारो, गुड नाइट।